जोहार, स्वागत है आप सभी का गौसना टाइम्स में। मैं अमीशा एक का गौसना कॉलेज से मास कम्युनिकेशन विभाग की छात्र आज आप सभी को मिलाने वाली हूँ डॉक्टर नीति सिन्हा से, जो कि रांची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन विभाग के डायरेक्टर के साथ रेडियो काची के डायरेक्टर भी है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि हम जानते हैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचर रह चुके हैं और आप फिर रांची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर बने, तो फिर आपके यहाँ तक का सफर कैसा था? अच्छा अच्छा, ऐसा कि पहले मैं रांची यूनिवर्सिटी में ही था इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और इसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं इंग्लिश का हेड था और डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस का डीन था। और उसके बाद चूंकि मेरी थिएटर वगैरह में रुचि थी, डांस ड्रामा में, तो परफॉर्मिंग आर्ट का भी मैं डायरेक्टर था, तो वहाँ ये सब मैं काम करता था और दिन भर कैसे गुजर जाता था पता नहीं चलता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मैं लेखन में जुड़ा हुआ था। मैं कविताएँ, कहानियाँ, नाटक वगैरह वगैरह लिखता था, अभी भी लिख रहा हूँ, तो वो लेखन कार्य मेरा चल रहा था। और अचानक फिर एक मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकला रांची यूनिवर्सिटी का, तो मैं इंटरव्यू में शामिल हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं रेडियो खांची के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने अप्लाई किया था मास कॉम के लिए, लेकिन ये एक अलग से मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप रेडियो खांची को भी देखें, तो मैं रेडियो खांची भी देख रहा हूँ और मास कम्युनिकेशन भी देख रहा हूँ। सर, जैसे आपने बोला कि आपको ये सब बचपन से शौक था, तो आप ये पढ़ाई लिखाई भी उसमें मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मैं तो इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, लेकिन मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी थी इंग्लिश के साथ साथ, तो मैं इंग्लिश में भी लिखता था और हिंदी में भी लिखता था। और जब मैं ताज्जुब करोगी कि मेरी पहली कविता छपी थी जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, और जब बीए में मैं आ गया तो मेरे बहुत सारे नाटक प्रसारित होने शुरू हो गए रेडियो स्टेशन से, रांची रेडियो स्टेशन से। उस वक्त मेरे नाटक प्रसारित होते थे और करीब 50 नाटक मेरे प्रसारित हुए बीए और एमए की पढ़ाई के दौरान। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ लेखन में भी लगा रहा और रेडियो से काफ़ी प्लेस हुए, 50 नाटक मेरे प्रसारित हुए, लिखे हुए 50 नाटकों में मैंने अभिनय भी किया, तो कुल मिला के मैं जुड़ा रहा इन चीज़ों से। फिर जब दूरदर्शन आया तो मैं दूरदर्शन से भी जुड़ गया। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि 1972 में मैंने एक अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया रंगायन, उसके माध्यम से मैंने नाटक करना शुरू किया। मैं नाटक लिखता ही था तो अपने ही नाटक का मैं मंचन बार बार यहाँ करता था, और यहाँ के लोगों को मैंने बहुत बहुत लोगों को मैंने एक्टर बनाया, उनको ट्रेनिंग दिया वगैरह वगैरह। और मैं निर्देशक बना किताबें पढ़ के, मैं किताबें बहुत पढ़ता था और किताबें पढ़ करके मैं निर्देशक बना, मैं किसी का असिस्टेंट नहीं था थिएटर में, जहाँ तक सवाल है। उसके बाद आपने कहा कि आप किताबें पढ़ के निर्देशक बने, तो ऐसा वो किताब जो आपको निर्देशक बनने पे मजबूर? बहुत सारी किताबें हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बहुत सारी किताबें हैं। और थिएटर में क्या है कि आपको थिएटर में कि एक्टिंग का, एक्टिंग क्या है, थिएटर जो है एक्टिंग बेस्ड है, तो एक्टिंग क्या है उसमें फिर भाषा, वो भाषा को जानना होगा, फिर मॉड्यूलेशन जानना होगा, फिर आपको बॉडी लैंग्वेज है, फिर मूवमेंट है, ये सब चीज़ आप जब तक नहीं जानिएगा तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं पहले मैं उनको भाषा सिखलाता था, चूँकि मैं लिटरेचर का आदमी था तो मैं भाषा सिखलाता था, भाषा के साथ मैं मॉड्यूलेशन सिखलाता था कि कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसके बाद मैं फिर उनको बॉडी लैंग्वेज सिखलाता था, तो वो एक्टर बनाने के लिए वो सब चीज़ें हो गई। फिर मैंने लाइट के बारे में पढ़ना शुरू किया कि लाइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कैमरा में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे थिएटर में भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइट का इस्तेमाल कैसे करना है, स्पॉट कहाँ डालना है, डिमर कहाँ डालना है, मिरर कहाँ डालना है वगैरह वगैरह।
ये सब चीज़ें मैं सीखता गया और सीखते सीखते मैं डेवलप हो गया और मैंने नाटक अपना ये सुनकर तुमको बहुत खुशी होगी कि झारखंड का मैं पहला आदमी हूँ जिसका नाटक पृथ्वी थिएटर बॉम्बे में हुआ मैं और जो बहुत चर्चित हुआ और जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स आए थे देखने के लिए उस जमाने में शबाना जी भी आई थी और अंगल आए थे और तुम्हें नाम बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग आए थे एक्टर्स देखने के लिए फिल्म एक्टर्स जो थिएटर से जुड़े हुए हैं और सर आपने जो एक किताब लिखी थी जिसका नाम मीनिंग ऑफ बीइंग अ वुमन क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं माय गॉड वो तो दूसरा टॉपिक तुम ले आई ऐसा है कि हमारे जो मेजर धर्म है सब आपस में लड़ाई करते हैं है ना और सब कहते हैं ये है लेकिन हर धर्म में औरतों के साथ बहुत जुल्म हुआ है औरतों के साथ बहुत जुल्म हुआ है तो जो नारी सशक्तिकरण है जो स्त्री विमर्श है अब वो शुरू हो गया है कि नारी को ये अधिकार नहीं था वो अधिकार नहीं था वो अधिकार नहीं था मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा मैंने हमारा एक आलेख अभी हमने प्रसारित किया है रेडियो खांची से कि मुझे पूरा आसमान चाहिए कि आखिर उसने क्या पाप किया है कि वो औरत हो गई वो लड़की हो गई उसने तो कोई पाप नहीं किया है वो तो खुद पैदा नहीं हुई लड़की के रूप में जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे एक लड़की ही पैदा हुई आप देखिए कि जैसे कि लड़की लड़का जींस पैंट पहनता है टी शर्ट पहनता है आंखों में काला चश्मा पहनता है और घर के बाहर जाता है तो कोई नहीं रोकता है और लड़की जब वही काम करती है जींस का पैंट पहनती है टी शर्ट पहनती है काला चश्मा लगाती है तो माँ बोलती है बेटी ये क्या ड्रेस पहनी हो तुम और बेटी कहती है कि मम्मा भैया भी तो इसी ड्रेस में गया तो कह रहे वो लड़का है उसकी बात छोड़ो ना लड़का रात में किसी भी वक्त आए कोई नहीं पूछता है लड़की को 4 बजे 5 बजे तक लौट आना है और उसके बाद खाने पीने के मामले में भी लड़कियों के साथ दोहरापन होता है ना खाने पीने में भी दोहरापन होता है लड़के को जो चीज़ मिलती है वो लड़की को नहीं मिलता है तो इसमें जो औरत में जो नारी समाज पे जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में मैंने लिखा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा बहुत मोटी किताब है वो तो एक लाइन में तो लिखना मुश्किल है बोलना मुश्किल है तो वो स्त्री विमर्श पर मैंने किताब पूरी लिखी है कि वो मिथोलॉजिकल क्या है मिथ क्या है औरत का फिर उस समाज में उसका क्या स्थान है साहित्य में क्या स्थान है और कैसे आज की औरत आगे बढ़ रही है उस आगे कैसे बढ़ सकती है और कैसे पूरे आसमान को छू सकती है इसलिए कि हमारा समाज जो है अधूरा है औरत के बिना औरत है तो हम हैं है ना औरत है तो हम नहीं इसलिए कि औरत ने ही मर्द को पैदा किया है लेकिन मर्द औरत को दुत्कारता है ना औरत को दुत्कारता है तो ये चीज़ों को लेकर के मैंने वो किताब लिखी है और वो बहुत पॉपुलर किताब है वो द मीनिंग ऑफ बीइंग अ वुमन औरत होने का अर्थ क्या है अमेज़न पर उपलब्ध है और सर आपने जो एक फिल्म आक्रांत जो आपने डायरेक्ट की थी जी जी उसके बारे में आक्रांत फिल्म जो है वो मैंने आदिवासी एक्सप्लॉयटेशन पर लिखा है आदिवासियों का जो शोषण हुआ है झारखंड में उस पर वो पूरी कहानी है कि जंगलों में देखो आदिवासी जीवन जो है जंगलों का जीवन है पहाड़ों का जीवन है तो जो जंगल में आदिवासी रहते हैं वहाँ तक कैसे शोषण पहुँच गया वो तो अपनी आज़ादी में मस्त थे मांदर बजाते थे नाचते थे गाते थे खाते थे पीते थे लेकिन जो हम कहते हैं कि देखो दिक्कू आ रहा है लेकिन जब से वो समाज आया दिक्कू समाज उसने कैसे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है ना दिक्कू का मतलब दिक करने वाला तंग करने वाला उसको दिक्कू कहते हैं तो वो समाज से जुड़ा नहीं लेकिन उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया कैसे पेड़ कटने शुरू हो गए कैसे आदिवासी औरतों का बलात्कार शुरू हो गया तो इस पर एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म हमने बनाई थी आक्रांत जो पैनोरमा में शामिल हुई इंडियन पैनोरमा में भी शामिल हुई और दूरदर्शन में प्रीमियर उस समय दूरदर्शन में प्रीमियर बहुत बड़ी बात मानी जाती थी बहुत बड़ी बात अब तो दूरदर्शन कोई देखता नहीं है लेकिन उस जमाने में जब रिलीज हुई तो बहुत बड़ी बात थी वो और पूरे झारखंड में एक तूफान मच गया था वो फिल्म के बाद जो हमने दिखलाया कि कैसे आदिवासियों का शोषण होता है और कैसे वो निकलते हैं उस शोषण से
तो उसमें दो चीजें हैं, मैंने आदिवासी शोषण और पर्यावरण, इन दोनों चीजों को लेकर के वो फिल्म बनाई थी। और बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से वो फिल्म बनाई थी, जिसमें बम्बई के भी कलाकार थे, सदाशिव आम्रपुरकर वगैरह, और झारखंड के बहुत सारे कलाकार थे, बिहार के भी थे, और मुंबई के और भी कलाकार थे, और कलकत्ता के टेक्नीशियंस थे, मुंबई के टेक्नीशियंस थे, मैंने सब मिला जुला के एक फिल्म बनी। और वो फिल्म की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उस फिल्म में मैंने ट्राइबल म्यूजिक दिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, समझ लो इसको। ट्राइबल म्यूजिक में क्या है कि जो ट्राइबल म्यूजिक है, जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे मांदर है, नगाड़ा है, तुरही है, एक आदिवासी सारंगी है, उसका मैंने ऑर्केस्ट्रा बनाया, ऑर्केस्ट्रा बनाया। और ये मैंने रामदयाल मुंडा जी से कहा कि सर ये ऑर्केस्ट्रा हमने बनाया, इस पर आपको म्यूजिक बनाना है, और उन्होंने बनाया, वो कमाल का बना दिया वो ऑर्केस्ट्रा। किसी ने सोचा नहीं था कि आदिवासी इंस्ट्रूमेंट्स का एक ऑर्केस्ट्रा बन सकता है, तो वो बना। मुझे तो अब तकलीफ होती है देख करके कि जो ट्राइबल फिल्में बनती हैं या ओरिजिनल फिल्में बनती हैं, इसमें हम लोग बम्बैया की नकल करते हैं, कोई जरूरत नहीं। हमारे पास इतनी कहानियां हैं, झारखंड में इतनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, आप उसमें फिल्म बनाओ, यहाँ का संगीत लो, इसको पॉपुलर करो। मैं बता रहा हूँ, सुनो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बम्बई में मेरे म्यूजिक का तहलका मच गया। बम्बैया लोग बोले कि भाई ये फ्रेश है, ये दे दो हमको, इतना फ्रेश म्यूजिक कहाँ से लाया हो? हमने कहा इसी देश का है भाई, कोई मैं अफ्रीका से नहीं लाया हूँ, इसी देश का है। और वो जो मांदर बजता था तो लोग एकदम नाचने लगते थे। एक और इंटरेस्टिंग कहानी मैं बता रहा हूँ कि एक आदिवासी लड़की थी जिसका गाना मैंने रिकॉर्ड किया, तो बी आर चोपड़ा के यहाँ से साउंड रिकॉर्डिंग का सामान आया था, तो रिकॉर्डिस्ट जो है वो गाना गा रही है, वो नाच रही है। तो उसने कहा कि सर मैं कैसे इसका रिकॉर्ड करूँगा, गाना, ये तो नाच रही है। तो हमने कहा कि देखो, आदिवासी जब गाता है तो नाचता भी है, बिना नाचे हुए उसका गाना नहीं होगा। तो कहा मैं क्या करूँ, तो तुम भी नाचो। और वो नाच नाच के गाना को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद वो इतना पागल हो गया, नगपुरिया गीत था वो, कि नगपुरिया गीत ही गाता रहा वो, बोला कि सर इतना मजा आपको कभी नहीं आया था। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंसेस थी हमारी आक्रांत फिल्म की। और सर आपने इस मूवी में इतना मेहनत की, तो ये मूवी को लगभग बनने में कितना समय लग गया? इस मूवी को बनने में देखो लग गया करीब, शूटिंग तो हमने शुरू की थी 86 में, 86 में शुरू की, 86 में हमने स्क्रिप्ट लिखा और शूटिंग भी हुई, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई में मैंने किया, ये समझो 3 साल। उस समय ये जमाना नहीं था ना, ये तो डिजिटल जमाना नहीं था, उस समय कैमरा था, वो सेलुलॉयड वाला कैमरा था, उसके साथ नागरा टेप रिकॉर्डर होता था, नागरा टेप रिकॉर्डर का स्पीड, कैमरा का स्पीड 1 होता था, 1.5, वो उस तरीके से काम होता था। तो वो डिफिकल्ट वो था, इतना आसान नहीं था कि आप मॉनिटर भी नहीं था कि आप देख लें कि आप क्या कर रहे हैं। हमने शूट कर लिया, पता नहीं चलता था कि वो शूटिंग ठीक हुआ है कि नहीं, वो तो लैब में जाती थी फिल्म, लैब में पता चलता था कि क्या हुआ नहीं। सर, और आप अपनी डेली लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं, आप फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? वाह, ये तो बिजी तो रहता हूँ मैं, यही लोग पूछते हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन देखो जिस आदमी को पैशन होगा वो समय निकाल लेगा। पैशन बहुत ज़रूरी है, वो जिंदा दिली, पैशन, पागलपन, पागलपन भी होना चाहिए, वो तो आदमी समय निकाल लेगा। और पैशन नहीं होगा तो समय नहीं है, अब दिन भर ऐसे ही आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो कुछ वॉक वॉक करता हूँ मैं, कुछ थोड़ा बहुत एरोबिक्स भी करता हूँ, और उसके बाद मैं लेखन में लग जाता हूँ, राइटिंग वर्क्स में लग जाता हूँ, फिर पढ़ने में लग जाता हूँ, मैं रात को 1 बजे सोता हूँ। लोग कहते हैं कि इस उम्र में आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं, तो हम एक्टिव रहते हैं। नहीं देखो, एज तो नहीं आदमी चेंज कर सकते, एज तो बढ़ने वाली चीज़, बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर आप सोच ले कि हम बूढ़े हो गए, अब तो कोई काम के नहीं है, बस अब चलो, तो फिर तो बात ही अलग है ना। लेकिन काम तो करना चाहिए आदमी को। अब तो 80 साल का डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है, माथे का ऑपरेशन कर रहा है 80 साल का डॉक्टर, अभी 94 साल के एक आदमी ने, अमेरिकन आदमी ने शादी की है, मालूम है कि नहीं? 94 साल के आदमी ने शादी की है। तो अब एज इज जस्ट ए नंबर, एज इज ए नंबर, एक जवान आदमी बूढ़ा हो सकता है, एक बूढ़ा आदमी भी जवान हो सकता है। सर, अगर को
किताब लिखना अपना स्टार्ट करे या फिर डायरेक्टर बनना चाहे, बट कभी कभी समटाइम्स वो लोग स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं हो पाते तो वो लोग ज्यादातर क्वाइट करने का सोचते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लिखते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। आदमी इस कैसे सीखेगा, वो लिखते रहना चाहिए, उसको स्ट्रगल करते रहना चाहिए। एक दिन में तो आदमी राइटर नहीं बन जाएगा, न एक दिन में फिल्म मेकर बन जाएगा, उसको कोशिश करते रहनी चाहिए। आपको कैमरा ऑपरेट करना है तो कैमरा ऑपरेट कीजिए, कैसे लाइट का अरेंजमेंट करना है वो कीजिए, कैसे डायलॉग डिलीवरी होती है वो कीजिए, कैसे इंटरव्यू लेना है वो कीजिए। तो आपको लिटरेचर के साथ चलना होगा, लिटरेचर के साथ चलना होगा और मेहनत करनी होगी। ये बड़ा मेहनत का लाइन है, ये बहुत मेहनत है और ये लाइन तो इतना आगे ले जाएगा आदमी को जैसा कोई हिसाब नहीं है। अगर आपने मेहनत कर लिया तो स्काई इज द लिमिट। और सर, अगर कोई मास कम्युनिकेशन करना चाहे तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? एकदम करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, मास कम्युनिकेशन करना चाहिए। वो एक अच्छा पत्रकार हो सकता है, एक अच्छा टीवी का डायरेक्टर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। मास कम्युनिकेशन तो भी आज के ज़माने में तो दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन। हम ये जो एज है ना, दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। पत्रकार कौन बनता था पहले मालूम है? पत्रकार कौन है बड़ा? वो कहा जाता है कि अगर कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो न्यूज़ नहीं है, कुत्ता काटता ही रहता है। लेकिन आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो न्यूज़ है। तो वो छापना है अखबार में, है ना? तो अखबार के साथ आपको जुड़ना होगा, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके साथ जुड़ना होगा। जानना पड़ेगा कि अखबार कैसे निकलता है, अखबार में कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है ना कि सिर्फ अखबार ही नहीं है, इसे बहुत सारे एरियाज हैं। सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, नहीं फिर पब्लिक सेक्टर है, फिर तुमको एडवर्टाइजिंग है, इतने सारे क्षेत्र हैं। अभी तो बहुत सारे पोस्ट निकलने वाले हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में, आदमी नहीं मिलेगा लोगों को। लेकिन सर, कोई लोग पूछते हैं ना कि जैसे मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो हाँ मास ही कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसमें तो कुछ वैसा बात नहीं है, लोगों की यही सोच है। तो देखो क्या है ना, पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग घर में तीन चार बच्चे हैं तो लोग सोचते थे एक लड़का इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, कुछ नहीं हुआ तो वकील बन जाएगा। वो जमाना खत्म हो गया। कोई सोचता था कि टेलरिंग करके कोई आदमी आगे चला जाएगा दर्जी बन करके। अरे फैशन डिजाइनिंग क्या है? दर्जी है, दर्जी का काम है। आज फैशन डिजाइनिंग करके लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हमारे घर में एक लड़की है, वो आज कैनेडा में है, टॉप में है, फैशन डिजाइनिंग करके, कोर्स करके। कोई सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग भी कोई कोर्स होता है? नहीं सोचा था। तो इस तरह से अब खाना बनाने का देखो कितने ब्लॉग्स हैं, है ना? कोई सोचा था कि इतना ब्लॉग्स, वो हिट हो गया, पैसे कमा रहे हैं लोग। तो एक बता रहे हैं तुमको, एक बहुत बड़े आदमी थे, हम नाम भूल रहे हैं उनका, ये बस सरदार जी, उनसे पूछा कि भाई चिकन तो मैं भी बनाता हूँ और वो मसाला जो आपने बताया वही मसाला डालता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो आपके चिकन में है, तो फ़र्क कहाँ है? मैं एग्जैक्ट वही मसाला डालता हूँ, वही गरम मसाला डालता हूँ, वही हल्दी डालता हूँ, वही जीरा डालता हूँ, सब डालता हूँ, लेकिन फ़र्क कहाँ है? जिक्स कालरा तो जिक्स कालरा ने कहा टाइमिंग का फर्क है, टाइमिंग का। तो टाइमिंग अगर तुमने जान लिया तो मास कॉम में तुम बहुत आगे चले जाओगे। बोलने तो लोगों को ना, बोलते तो बहुत कुछ हैं लोग, है नहीं? तुम लड़कों के साथ घूमोगे तो बोले देखो ये लड़की कहाँ जा रही है, लड़के के साथ घूम रही है, बोलेंगे कि नहीं? तब उसका तुम पीछे घूमती रहोगी तो पागल हो जाओगी। बोलने तो लड़के तो बोलते ही रहेंगे लोग, बोलने के पीछे तुम अपना काम करो बस, और कि हमको आगे बढ़ना है। सर, और मेरा ये एक क्वेश्चन कि आपने एक बुक लिखी है, उसमें से आपकी अपनी कोई ऐसी लिखी हुई बुक जो आपकी अपनी फेवरेट हो उसके बारे में? अभी हमने देखा, अभी हम आदिवासी विमर्श पर किताबें लिख रहे हैं, तो अभी दो किताबें मेरी आई हैं। एक है जंगल की जागती आंखें ढूंढती सल्तनत, ये कविताओं की किताब है, और एक कहानियों का संग्रह है जंगल गाथा, वही फिर जंगल में कैसे शोषण हो रहा है, कैसे माइंस पे, इस पे, उस पे, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब कहानी आ रही है।
और सर आप इस जनरेशन को क्या शिक्षा देंगे? देखो ये जनरेशन जो है ना एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जनरेशन है, आज का जो जनरेशन है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, हम लोग जनरेशन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो बहुत आगे जाएगी, है नहीं? बस उसके अंदर एक जज्बे की ज़रूरत है, जज्बे की कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, ये जज्बा जब आ जाएगा तो वो फिर आगे बढ़ जाएगा, इसलिए कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनके जीन्स में आ गया है इंटेलिजेंस। तो अब मैं अपने बेटे से सीखता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने गाड़ी खरीदी ऑटोमेटिक कार, तो हमने कहा अब तो ये गाड़ी तुम चलाओगे, हम तो चलाएंगे नहीं, हमको तो आता ही नहीं, तो गियर वाला गाड़ी चलाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, ही ट्रेंड मी, आज मैं चलाता हूँ गाड़ी। अब गूगल पे हमसे कैसे होगा हम नहीं जानते थे, उसने मुझे सिखाया कि गूगल पे कैसे करें, मैं गूगल पे वगैरह सब करता हूँ, गाड़ी खुद बुक कर लेता हूँ, सारा काम कर लेता हूँ। तो ये यंगर जनरेशन ने सिखाया मुझे, आज 10 साल का लड़का जितना नॉलेजेबल है कंप्यूटर के मामले में, मोबाइल के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स मामले में, हम लोग नहीं है, है ना? तो यंगर जनरेशन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वहाँ कमी कहाँ है कि वो कंटेंट और लिटरेचर से भाग रहे हैं, उन्हें लिटरेचर को भी शामिल करना होगा अपने करिकुलम में, जहाँ लिटरेचर आ गया उनके पास, लिखने की शैली आ गई, तो वो कमाल कर सकते हैं। और खास करके मास कॉम के क्षेत्र में मैं यही कहूँगा कि यू मस्ट रीड, यू मस्ट राइट, बिकॉज इंटेलिजेंस की कमी नहीं है आप। और मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं तुम लोग के लिए, आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू। और एक ये आखिरी, आप जैसे कविता लिखते हैं तो हमारे लिए भी एक सुना सकते हैं क्या आप हमें कोई कविता? अभी आपको जो याद हो देखता हूँ मैं, कोई किताब वताब है कि नहीं मेरे पास, मैं किताब रखता हूँ, किताब सो कौन सी है? ये नहीं, एक कविता सुन लो, छोटी सी है, याद तो नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत याद है, हम सुना दे रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है पेड़ की शाखों में लटकी हुई लाशें, मैंने देखा है पेड़ की शाखों में लटकी हुई लाशें, मैंने सुना है बमबार आवाजों को इस जंगल में, मैंने सुना है बमबार आवाजों को इस जंगल में, मैंने देखा है तमाम खून और तमाम वारदात इस जंगल में, मैंने देखा है तमाम खून और तमाम वारदात इस जंगल में। मां मुझे तुम फिर गर्भस्थ मत करना, मां तुम मुझे गर्भस्थ मत करना, मैं सारंडा का जंगल नहीं बनना चाहता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे मेरी बेटी हो तुम लोग, क्या सब बच्चे हैं हमारे, हाँ ठीक।